योगा। कर्म सु कौशलम, कुशलता से कोई भी कार्य किया जाए तो एक रस उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कोई जादूगर है या सर्कस में कोई कुशलता से शेर को नचा रहा है, उसके हाथों में एक कला आ जाती है, कलात्मक हो जाता है उसका स्टोर। कोई नृत्य में इतना प्रवीण हो जाता है तो एक रसधार बहती हुई प्रतीत होती है। वह अंगों को इतना अद्भुत तरीके से संचालन करता है, उसका अंग संचालन इतना अद्भुत होता है कि हमें भी आनंद आने लगता है। वह आनंद ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं योग कर्म सु कौशलम, कर्म का कौशल ही योग है। योग अर्थात ध्यान, समाधि। समाधि में आनंद ही आनंद है, उसी योग की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तू जो भी कर, कर्म की कुशलता से कर, चाहे अपने बंधुओं से युद्ध भी करना पड़े तो वो कुशलता से कर। ऐसा नहीं है कि तू उसमें अपना कम श्रम दे, कम दिमाग लगा, 100% युद्ध कर, चाहे अपने ही लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वह गलत दिशा में खड़े हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो 100% कर्म की कुशलता के साथ युद्ध कर, उससे एक रस उत्पन्न होगा, वही मोक्ष का द्वार है। दृष्टा बनने को कह रहे हैं, यदि मनुष्य दृष्टा बन जाता है तो कर्म की कुशलता को भी प्राप्त कर लेता है। जो 100% किसी कार्य में अपना दिल दिमाग लगा लेता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है, उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता है। भगवान कृष्ण यही कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा है। वो जो भी कर रहे हैं वह एक नाटक है, लीला है, वह कोई एक खेल की भांति है, जिसे हमें समझना होगा कि भगवान कृष्ण का पूरा जीवन इतना आनंदमय क्यों है, इतना रसपूर्ण क्यों है। मीरा क्यों इतनी 5,000 साल बाद भी उनकी दीवानी है, क्यों पूरी दुनिया आज कृष्ण को पूजती है, तो उसका एकमात्र कारण है कि उनमें एक रस है, उनके कार्यों में रस है, एक कर्षण है। कर्षण का अर्थ भी होता है खींचने वाला, आकर्षित करने वाला है। इसलिए कृष्ण के नाम पे ही ब्लैक होल को कृष्ण विवर नाम दिया गया है, क्योंकि वो आकर्षित कर रहा है सभी चीज़ों को। वैसे ही कृष्ण है, पूरी दुनिया को अभी भी आकर्षित कर रहे हैं। 5,000 साल हो गए उनको हुए, परंतु उनकी उपस्थिति आज भी बनी हुई है, लोग उन्हें पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने कुशलता प्राप्त करी थी कर्म के द्वारा, पूरा योगमय जीवन जिया। योग है कर्म सु कौशलम का यही अर्थ है। इसे फिर उद्घाटित करना होगा, अपने कार्य में रस उत्पन्न करना होगा, तभी जीवन सार्थक बनेगा।